Hey Unstoppables, welcome to another video, another day, another opportunity. I hope you guys all are fine and fit. तो गाइज आज हम लोग आए एक टॉपिक को लेके, मतलब छोटा सा टॉपिक है, मतलब ज़्यादातर लोग ये नेगलेक्ट करते हैं, तो वो होता है टायर का जो नंबर्स रहते हैं, आड़े तेड़े जो नंबर्स आप दिख रहे हैं और अल्फाबेट्स ये सब दिख रहे हैं, तो ये मन में तो एक बार तो आया रहेगा कि यार कि क्या है ये, कुछ भी लिखा हुआ है नंबर, ये क्या है। तो गाइज आज हम लोग इसको ब्रेक डाउन करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। और पहले ही पहला आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2.75 लिखा हुआ है, तो ये क्या है। तो गाइस मेनली ये टायर आप देख रहे हो, इसका जो है ये विड्थ है, ठीक है, आप देख पा रहे हो ना, ये 2.75 इंच आई थिंक सो विड्थ है ये। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 18 लिखा हुआ है। तो ये जो रिम है आप देख पा रहे हो, ये जो टायर का रिम है वो 18 inches है, ठीक है, 18 inches टायर बोलते हैं ना, तो वही है। तो फिर यहाँ पे MC लिखा हुआ, ये क्या है। तो बेसिकली ये 2.75 18 लिखा हुआ है ना, तो इन MC को डिनोट करता है, तो ये सब पूरा एक ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं 6PR करके लिखा हुआ, ठीक है, ये 6P एक है, इसमें R अलग है, ठीक है। ये 6P मतलब 6-ply टायर है, तो लेयर्स का बेसिकली है, जो कार्स में ज़्यादातर 4-ply रहता है और इसमें ज़्यादातर बाइक्स का इस जो टायर रहता है वो 6-ply रहता है। और R मतलब रेडियल टायर, जो टायर का कंस्ट्रक्शन है किस में है, तो रेडियल कंस्ट्रक्शन करके R लिखा हुआ है। सो गाइस नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, लास्ट जो है 48P लिखा हुआ है, तो ठीक है, तो हम लोग 48P इसमें ब्रेक डाउन करेंगे 48, ठीक है। ये 48 है लोडिंग कैपेसिटी, ठीक है, जो एक टायर मतलब ये वाला टायर कितना कैपेसिटी बेयर कर सकता है। तो मैक्स इसका मतलब LBS में कन्वर्ट करें तो 397 LBS और KGs में कन्वर्ट करें तो अप्रॉक्स अराउंड 180 करके 180 समथिंग अराउंड ये टायर झेल सकता है। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो, या 180 KGs आप देख पा रहे होंगे। और हम लोग पी की बात करें तो 48 जो लोडिंग कैपेसिटी वो तो हो गया, और अभी पी की बात करें तो ये स्पीड रेटिंग है, ठीक है। तो गाइस एक काम करता हूँ मैं, जो लोडिंग कैपेसिटी है और स्पीड कैपेसिटी है उसके टेबल्स मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो स्पीड का रेटिंग है और व्हाट वी से लोडिंग कैपेसिटी है कैसा है करके आप देख पा रहे होंगे। तो गाइस ये रहा इनके टेबल्स, तो यहाँ पे पी डिनोट करता है स्पीड को, ठीक है। तो इसका स्पीड पी में देखा जाए तो समथिंग अराउंड 97 to 150 किलोमीटर पर आर ये स्पीड झेल सकता है, ठीक है। तो यही है जो ओवरऑल टायर का नंबर्स का जो ब्रेकडाउन होता है, यही है। तो गाइस छोटा सा वीडियो था, तो इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना ना भूले, तो मुझे सपोर्ट करिए, और स्टे होम स्टे सेफ, गुड बाय गाइस, टेक केयर।